जय मां सीएलसी। सबसे पहले तो मैं बॉस को थैंक यू कहूँगा कि बॉस ने मेरी बहुत हेल्प की हर चीज़ में। और मैं जब यहाँ आया था तो मैं सबसे पहले सीएलसी आया था, मेरे को हमारे गांव से, पड़ोसी गांव से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था उस वक्त 12th के साथ, तो उसने बताया कि सीएलसी में जाना है। तो फिर मैं यहाँ, उसके पेरेंट्स भी आए थे, मेरे पेरेंट्स भी आए थे, मेरे साथ एक दो बच्चे और थे। तो मैं जब आया तो सीएलसी में, डायरेक्ट मैं सीएलसी में आया। फिर मैंने पापा को, दूसरे लोगों ने बोला कि एक जगह और चेक करो, मैं वहाँ पे गया। सबसे पहले तो वहाँ पे, मतलब मैं ओनली वहाँ 20 मिनट रुक पाया, क्योंकि वहाँ पे जो, मतलब बॉस ने जो मेरे को यहाँ से पहले मेरे को जो फील हुआ ना, वो वहाँ पे मेरे को 2% भी उस चीज़ का फील नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा मैं फिर वापस, मेरा अगले दिन मैंने यहाँ पे ही एडमिशन लिया। फिर मैं 11th की, मैंने 12th की, फिर मेरे 12th के साथ 505 स्कोर रहा नीट का। फिर मेरे उसे थोड़ा हेजिटेशन तो हुआ, फिर मैं उसे अप्रोक्सीमेट 10 दिन तक इतना वो रहा, मैं उससे बीमार भी हो चुका था बुरी तरीके से। फिर मैं यहाँ पे वापस आया, फिर मेरा टारगेट में भी कभी भी मेरा इतना स्कोर नहीं हुआ। मेरा हाईएस्ट स्कोर 638 है अब तक का सीएलसी में, और मेरा इतना मार्क्स आ रहे हैं, तो मेरे को अभी भी वो चीज़ यकीन नहीं हो रही कि इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे। मैंने अप्रोक्सीमेट 7-8 से भी ज़्यादा बार चेक कर लिया अपना रिजल्ट। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैं जब बॉस असेंबली करते थे या फिर जब भी मोटिवेशनल सेमिनार होते थे, तो जो बॉस जो गाने होते थे या फिर जो भी होते थे ना, उस पर मैं कम से कम हर बार, मेरे को मेरे गला भर जाता था। मैं बहुत बार रोया हूँ यहाँ पे बैठा बैठा भी विजय ग्राउंड में इस चीज़ को। और बॉस से मैं काफ़ी बार मिलता था, बॉस मेरे को जानते नहीं है, और मेरे को शायद नहीं लगता मेरे को कोई भी टीचर जानते होंगे कोई भी मेरे को। पर मैं जब बॉस के पास किसी भी काम के लिए आता था ना, तो बॉस या तो असेंबली के बाद आता था, तो वहाँ पे 10-15 मिनट बैठते थे, तो हर काम वहाँ पे हो जाता था। और मैंने हर चीज़ बॉस से ही सीखी, और मेरे पेरेंट्स का भी रोल बहुत ज़्यादा रहा इसमें। मेरी मम्मी पहली बार, मेरे को नहीं लगता ये बोलना चाहिए या नहीं, पहली बार मेरी मम्मी, आज तक मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती है, पर पहले लिए बार मेरे लिए एग्ज़ाम के लिए पूरे सावन के महीने में सिर्फ एक बार खाना खा रही हैं, वो वक्त कर रही हैं मेरे लिए पहली बार। तो मेरे को ये यकीन नहीं हुआ, और मैंने मेरा एग्ज़ाम के मार्क्स जोड़े, तो मेरा सबसे पहले मैंने जोड़ा तो पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया, तो मेरा बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे परेशान हो गया। मैंने गाड़ी में ही जोड़े तो मैंने घर पे बोल दिया, तो मेरी मम्मी को इस वजह से चक्कर भी आ गए थे, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ऐसे, मतलब सेंसिटिव ज़्यादा ही है। फिर मतलब अब बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को, रियली में सब ने बहुत ज़्यादा दुआ। और अब आप कहाँ रहते थे सीकर में? मैं हॉस्टल में नहीं रहता था मैं। यस सर। पूरा कैंप फॉलो किया आपने? पूरा नहीं, मैंने 11th में किया, और टारगेट में मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि मैं दूर रहता था, दूर रहता था, रूम लेके रहता था। बहुत धन्यवाद।